This is for those who are very fond of art forms, and आप भी सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो राजा रवि के बारे में. बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, उनके कुछ आर्ट फॉर्म्स में आप देख सकते हो. तो ये हैं राजा रवि वर्मा, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थे. आज की टू डू लिस्ट बहुत ही छोटी लग रही होगी, पर ऐसा है नहीं. ये जो बाद के दो टास्क है, इसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे पढ़ने में, समझने में. तो आज की टू डू लिस्ट में तीन टास्क हैं, तो शुरू करते हैं पहले नंबर से. तो पहले नंबर पे यूडेमी के दो तीन लेक्चर, उसके बाद में मैप रीडिंग. मैप रीडिंग पढ़ने के बाद में ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद रिलेट करेंगे मैप रीडिंग से. तो रिलेट इस वे में करेंगे कि लाइक मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है. और मैप रीडिंग में हमें ये समझ में आएगा कि अगर इफ़ वी गो फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, तो भोपाल से इंदौर जाने तक में कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस रहती हैं, वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा. तो चलिए सीखते हैं आज ज्योग्राफी के बारे में. पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई, एक चैप्टर पढ़ा है, और आज के तीनों टास्क हो गए हैं कंप्लीट. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय. ऐसे ही लर्न करते रहिए और ग्रो करते रहिए. तो आज मैंने पढ़ा है चैप्टर वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर. तो ये पढ़ा है मैंने आज. तो आप लोग भी गूगल पे डाल के देखो कि आखिर ये टॉपिक है क्या, इसमें क्या होता है. और ये रहा वो टॉपिक, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय. काका, टाइम हो गया.